हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग अपने 11th सेक्शन के दूसरे बुक की शुरुआत भी किए थे और पहले चैप्टर को एंड भी कर दिए थे, यानी पिछले क्लास में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के विषय में बात किए थे। अब तुम्हारे चलते हुए लैपटॉप कंप्यूटर वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा सा चेयर आए करो। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के विषय में बात किए थे और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग इलास्टिसिटी पर चर्चा किए थे, ठीक है। आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक और बड़ा शानदार ब्रांच के विषय में जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं तरल यांत्रिकी, ठीक ना। फ्लूइड मैकेनिक्स सिंपल सा बात है, कल फ्लूइड के विषय में बात हुई थी कि जिसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी होगा फ्लूइड कहलाएगा। लिक्विड और गैस के पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी होता है तो वो फ्लूइड कहलाएगा, ठीक ना। तो आज लिक्विड और गैस के मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग कहेंगे कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें लिक्विड गैस ओवरऑल फ्लूइड उसके कारण होने वाले फिनोमेनन उसके फ्लो उसके सारे प्रॉपर्टीज पर बात किया जाए तो वह फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। यह जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो दो प्रकार का होता है, इसका भी दो ब्रांच होता है। एक को हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। एक को हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फ्लूइड स्टैटिक में हम लोग बात करते हैं किस बारे में, तो फ्लूइड स्टैटिक के बारे में हम लोग रेस्ट फ्लूइड के विषय में बात करते हैं, माने उन सारे फ्लूइड के विषय में बात करते हैं जो किसी बर्तन में रखा गया है। क्लोज लिक्विड के विषय में बात करते हैं, एक गिलास पानी क्लोज लिक्विड है ना, घड़ा में रखा गया पानी ये क्लोज लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फ्लूइड रेस्ट फ्लूइड कहने का मतलब कि क्लोज फ्लूइड के विषय में बात करते हैं, क्लोज फ्लूइड के विषय में बात करते हैं, ठीक है। और फ्लूइड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, है ना, यानी इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, तो फ्लो ऑफ लिक्विड के विषय में बात करते हैं या फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस के विषय में बात करते हैं। लिक्विड कैसे फ्लो करता है, गैस कैसे फ्लो करता है, इसके विषय में बात करते हैं। गैस के फ्लो के विषय में डिटेल हम लोगों को बात करना है अपने थर्मल फिजिक्स में, उसमें एक टॉपिक मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हालांकि आपके सिलेबस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां हम लोग जब जाएंगे तो थोड़ा बहुत चर्चा उस पर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर लिक्विड और गैस के विषय में, लिक्विड के फ्लो के बारे में बात करना है, यहाँ क्लोज लिक्विड के विषय में और यहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड के विषय में बात करना है। तत्काल में सबसे पहला हम लोग फ्लूइड स्टैटिक को शुरू करने जा रहे हैं, यानी स्टैटिक फ्लूइड के विषय में बात करने जा रहे हैं, रुके हुए फ्लूइड के विषय में बात करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा जाए आगे, आइए शुरू किया जाए। अब फ्लूइड स्टैटिक में सबसे पहला कहानी क्या होगा, फ्लूइड प्रेशर के विषय में बात करना है ना। सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है, तो फ्लूइड प्रेशर यानी तरल दाब। इससे पहले कल तो प्रेशर के विषय में पढ़े थे फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां से प्रेशर के विषय में कहे थे क्या, फोर्स बाई एरिया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताए थे, इसका डायमेंशन ML इनवर्स टी टू द पावर -2 होगा।
प्रेशर जो होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ज्यादा फोर्स लगाइएगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, कम फोर्स लगाइएगा तो कम प्रेशर लगेगा। एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, है ना। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं तो एरिया कम है, एरिया कम है तो हमारे पैरों पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। सो जाएंगे तो अधिक एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, अधिक एरिया ऑक्यूपाई करेंगे तो प्रेशर कम फील करेंगे हम, है ना। बैठ जाएंगे तो इसके तुलना में थोड़ा और कम प्रेशर महसूस करेंगे, है ना। एक आदमी एक घंटा खड़ा है, एक आदमी एक घंटा बैठा है, एक आदमी एक घंटा सोया है, तो ज्यादा प्रेशर कौन फील करेगा? जाहिर सी बात है जो खड़ा है। काहे? तो जब खड़ा है तो एरिया कम प्रेशर ज्यादा, है ना। हम लोगों का जो स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग का जो स्टार्प होता है, मैंने टांगने वाला जो होता है, वो चौड़ा होता है। काहे चौड़ा होता है? एरिया ज्यादा होगा तो कंधा पर प्रेशर कम लगेगा, ठीक ना। इट इज इजियर टू कट एनी थिंग्स विथ शार्प नाइफ एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। किसी भी चीज को नुकीले चाकू से काटना ज्यादा आसान है किसके तुलना में? भूथर चाकू, ब्लंट नाइफ, मोटे चाकू से, है ना। तो काहे? तो ब्लंट नाइफ पर रस्ट आके जमा हो गया, मैंने एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा होगा हो गया तो वो प्रेशर कम लगाएगा, ठीक है। तो ये था प्रेशर का कहानी। खैर, हम लोगों को फ्लूइड प्रेशर के विषय में बात करना है, लिक्विड के प्रेशर के विषय में बात करना है, लिक्विड और गैस किस तरह से प्रेशर लगाते हैं इस पर चर्चा करना है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर, हो गया, लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए, फ्लूइड प्रेशर के विषय में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी समझने के लिए एगो कॉमेडी मूवी का एगो अक्सर सीन देखने को मिलता है। कॉमेडी फिल्म में दिखाता है, कुछ फिल्मों में ऐसा दिखाता है कि क्या होता है कि अंदर रूम के अंदर आदमी किसी काम में व्यस्त है, अब बाहर से आदमी गेट नॉक कर रहा है, ठकठका रहा है, ठीक ना। अंदर वाला आदमी व्यस्त होने के कारण जल्दी आके खोल नहीं रहा है, अब बाहर वाला आदमी एक बार नॉक किया, दो बार नॉक किया, तीन बार नॉक किया, पांच सात बार नॉक किया, अब उसको लगा कि अरे अंदर वाला कुछ हो गया क्या, है ना। तो वो चलता है गेट तोड़ने के लिए। तो गेट तोड़ने के लिए वो क्या करता है, थोड़ा पीछे जाता है और दौड़ के आएगा, गेट पर मारेगा, है ना। तो उधर से दौड़ के आ रहा है, और तब तक अंदर वाला आदमी आ रहा है, गेटवे खोल दिया, का होगा? जाहिर सी बात है गिर जाएगा। अगर वो गिर गया तो अंदर वाला आदमी समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा कि हाँ ये जो है प्रेशर लगा रहा था गेट पर, है ना। आपके पास एक प्लास्टिक का गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, आप गए यहाँ पर होल कर दिए, होल कर दिए माने पानी गिरने लगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। बाहर गिरने लगा मैंने कहा ये प्रेशर लगा रहा था बाउंड्री पर। पहला फ्लूइड प्रेशर का बात कहा गया कि लिक्विड और गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है, लिक्विड और गैस उस कंटेनर के इनर बाउंड्री पर लगातार हर संभव दिशा में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। लिक्विड और गैस हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फ्लूइड एग्जर्ट अ कंटिन्यूअस प्रेशर, फ्लूइड एग्जर्ट अ कंटिन्यूअस प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन
ऑन द इनर सरफेस ऑफ कंटेनर, ऑन द इनर सरफेस ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, इन विच इट इज केप्ट, जिस बर्तन में तरल को रखा जाता है, जिस बर्तन में तरल को रखा जाता है, उस बर्तन के आंतरिक सतह पर, उस बर्तन के आंतरिक सतह पर तरल हर संभव दिशा में, हर संभव दिशा में दाब लगाता है, दाब लगाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में डुबा दीजिएगा, है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबा दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट पर भी लिक्विड के द्वारा हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। लिक्विड जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली, माने पूर्णतः या अंशतः, माने पूरा डुबा दीजिए या कुछ हिस्सा डुबा दीजिएगा, तो उस ऑब्जेक्ट पर भी लिक्विड या गैस हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। हर पॉसिबल डायरेक्शन में लिक्विड या गैस जो है वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली, फुल्ली और पार्शियली इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, देन इट एक्सपीरियंसेज अ कंटिन्यूअस प्रेशर, अ कंटिन्यूअस प्रेशर फ्रॉम ईच पॉसिबल डायरेक्शन, फ्रॉम ईच पॉसिबल डायरेक्शन। जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः या अंशतः द्रव में डुबोया जाता है, क्या हुआ, लिखो, तो अभी लिख रहेगा, लिखेगा तो हानि करेगा, तो दूसर का पॉइंट लिखना चाहिए ना। हाँ, कहाँ थे, जब किसी वस्तु को पूर्णतः अंशतः द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर हर संभव दिशा में, हर संभव दिशा में दाब लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये लिक्विड है, लिक्विड में एच हाइट पर ही दो ठो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ये भी एच हाइट पर ऑब्जेक्ट है और ये भी यहाँ एच हाइट पर ही ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जितना प्रेशर लगेगा इस पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, माने कांस्टेंट डेप्थ में बराबर गहराई में क्या होता है, तो डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर बराबर प्रेशर लगता है। कांस्टेंट हाइट पर, कांस्टेंट डेप्थ पर डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, बराबर प्रेशर लगता है। ठीक है, लिखेंगे, एट कांस्टेंट डेप्थ, एट कांस्टेंट डेप्थ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस,
कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, नियत गहराई पर, नियत नहीं सॉरी समान गहराई पर, समान गहराई पर वस्तु पर आरोपित दाब, वस्तु पर आरोपित दाब समान होता है, वस्तु पर आरोपित दाब समान होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है अंतिम बात फ्लूइड प्रेशर का। कहता है कि जैसे जैसे आप गहराई में जाइएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट पर लगने वाला दाब जो है बढ़ेगा। इस चीज को आप बड़ा आसानी से फील कर सकते हैं अगर आप कभी नदी या तालाब वगैरह में नहाए हैं, है ना। अब आजकल लोग नदी या तालाब में नहीं, क्या कहा जाता है, स्विमिंग पूल वाटर पार्क में नहाता है, है ना। तो अगर ऐसे जगहों पर आप नहाए होंगे, खासकर फ्लोइंग लिक्विड नदी में नहाए होंगे, तो बड़ा बढ़िया फील कर सकते हैं कि आप नदी में जब खड़े होते हैं तो आपके पैरों पर अधिक प्रेशर लगता है शरीर के तुलना में। अगर पीछे से पानी बह रहा है, पीछे से पानी आ रहा है आगे के तरफ, तो आपका पैर आगे चला जाएगा और आप कितने ऐसे गिरिएगा, होता है ऐसा। अगर आगे से तेजी से पानी आ रहा है तो पैर पीछे फिसलेगा और आप ऐसे गिरिएगा, उसके बाद पानी के साथ बहिएगा, होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि पैर ज्यादा गहराई में है, है ना, ज्यादा डेप्थ में ज्यादा प्रेशर लगेगा, माने प्रेशर जो होगा फ्री सरफेस से डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। लिखेंगे लास्ट पॉइंट, प्रेशर एग्जर्टेड बाई फ्लूइड, प्रेशर एग्जर्टेड बाई फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर एग्जर्टेड बाई फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the depth from, to the depth from free surface, हो गया। लिखेंगे तरल दाब मुक्त सतह से गहराई के सीधा समानुपाती होता है, गहराई के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। तो ये हो गया हम लोगों का फ्लूइड प्रेशर का कहानी, ठीक ना। माने लिक्विड और गैस जो हम पर प्रेशर लगता है, इसके बारे में चार बात हम लोग देखे, है ना। पहला बात क्या कहता है, पहला बात कहता है कि जिस कंटेनर में लिक्विड रखा जाएगा उस कंटेनर के इनर बाउंड्री पर लगातार प्रेशर लगेगा। दूसरा बात कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर डुबा दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट पर भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। तीसरा बात कहा गया कि जैसे जैसे गहराई में जाइएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। और चौथा बात कहा गया कि कांस्टेंट हाइट पर, समान हाइट पर जो है प्रेशर जो होगा वो समान होगा, नियत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट माने हम जब लिक्विड और गैस पर प्रेशर लगाएंगे, इका था लिक्विड या गैस सॉलिड बॉडी पर प्रेशर लगा रहा था, तब के लिए चार बात। सॉलिड बॉडी लिक्विड पर प्रेशर लगाएगा, सॉलिड बॉडी गैस पर प्रेशर लगाएगा, तो उसके विषय में पास्कल साहब ने बताया, ये भी सब पास्कल ही बताए हैं, लेकिन ये स्पेशल नियम के रूप में पास्कल ने बताया और इसे हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम, ठीक ना।
पास्कल का नियम समझने से पहले बचपन में एगो कहानी बड़ा फेमस हुआ करता था, है ना। बचपन में वो कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक कौवा था आ बहुत प्यासा था, ठीक ना। तो प्यास के मारे इधर उधर जो है पानी का तलाश कर रहा था, अचानक से उसको एक घड़ा दिखाई दिया। सुने ही कहानी। तो घड़ा दिखाई दिया तो घड़ा में देखा कि पानी का लेवल बहुत लो था, तो क्या किया, कंकड़ डाला, पत्थर डाला, है ना। तो पत्थर डाला तो आप बताइए, जिधर कौवा बैठा हुआ था सिर्फ और सिर्फ पानी का लेवल उधर ही भरा, सब तरफ बढ़ा, है ना। यानी कि जो उसने प्रेशर लगाया घड़ा में, जो प्रेशर डाला गया, जो उसने प्रेशर लगाया कंकड़ और पत्थर के सहायता से, और वो प्रेशर लिक्विड के सारे पार्ट में लग गया, बराबर लगा, तभी तो बराबर हाइट में इंक्रीमेंट हुआ, है ना। और इस तरह से ब्लेज पास्कल ने अपने नियम पास्कल लॉ में बताया, और इसी के कारण फ्लूइड प्रेशर का मात्रक पास्कल भी कहा जाता है। जो भी हम लोग प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखे हैं लोग, आप प्रेशर का यूनिट पास्कल भी लिख सकते हैं, है ना। तो पास्कल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट कहा गया कि जब किसी क्लोज लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाएगा, क्लोज फ्लूइड पर माने लिक्विड या गैस दोनों पर, जब ज्यादा इसको दिखाया गया लिक्विड पर, तो जब किसी क्लोज लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाएगा तो वो प्रेशर बिना चेंज हुए लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब किसी क्लोज लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाएगा, जब किसी बंद द्रव पर दाब आरोपित किया जाएगा, दाब लगाया जाएगा, तो वो दाब और वो प्रेशर लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। और वो प्रेशर लिक्विड के सारे पार्ट में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माने चेंज नहीं होगा। जैसे अगर यह कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर आपने पानी भरा है और यहाँ इसके ऊपर अपर मोस्ट लेवल पर आपने प्रेशर लगाया 5 पास्कल का, तो ये जो है प्रेशर खाली इस एटम पर लगा, है ना। लेकिन पास्कल ने कहा कि यह जो प्रेशर है लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा, यह जो प्रेशर है लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा, माने जो एटम यहाँ होगा वहां पर भी 5 पास्कल का एटम प्रेशर लगेगा, जो एटम यहाँ होगा यहाँ पर भी 5 पास्कल का प्रेशर लगेगा, जो यहाँ होगा माने जितना भी एटम होगा सभी पर 5 पास्कल का प्रेशर लगेगा, माने जब किसी क्लोज लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाएगा तो वो प्रेशर बिना चेंज हुए लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा। जब किसी क्लोज लिक्विड पर, जब किसी बंद द्रव पर दाब आरोपित किया जाएगा तो वह दाब बिना परिवर्तित हुए द्रव के सारे हिस्सों में एक समान रूप से संचरित हो जाएगा, ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत, हेडिंग डालेंगे पास्कल्स लॉ, PASCL। क्या जी, काहे लेट हो गया है, सुते रह गए हैं। हो गया, लिखेंगे। When we exert प्रेशर ऑन अ क्लोज लिक्विड, देन दिस प्रेशर विल डिस्ट्रीब्यूटेड will distributed
throughout the liquid. This pressure will distribute it throughout the liquid. Throughout the liquid uniformly. Without changing its magnitude. Without changing its magnitude. Changing its magnitude. जब किसी बंद द्रव पर दाब लगाया जाता है, जब किसी बंद द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह दाब बिना परिवर्तित हुए द्रव के सारे हिस्से में एक समान रूप से संचरित हो जाता है, एक समान रूप से संचरित हो जाता है। कोई दिक्कत? ये था पास्कल का नियम। पास्कल लॉ पर ढेर सारा चीज आधारित है, जैसे पास्कल लॉ पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई चीज हम लोगों के पास है तो उसे वो है हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसे हम लोग अपने भाषा में डिस ब्रेक कहते हैं, है ना। तो इसके एप्लीकेशन में लिखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। हिंदी में हाइड्रोलिक ब्रेक ही होगा, हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट हाँ ठीक है। जिससे देखते होंगे पहले ट्रैक्टर वगैरह पर जब सामान आता था तो सामान मिट्टी वगैरह आता था, बालू वगैरह आता था तो घर के आगे लग जाता था, मजदूर जो थे उसको उतारते थे। लेकिन अब क्या होता है, ट्रॉलियों को उठा दिया जाता है ना। ट्रॉली उठ जाता है और फिर सारा बालू गिर जाता है, सारा मिट्टी गिर जाता है, फिर ट्रैक्टर चला जाता है। वही जो हाइड्रोलिक, उसी को हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं और ये पास्कल लॉ पर बेस्ड होता है, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग फ्लूइड प्रेशर के विषय में बात किए लोग, कि लिक्विड या गैस जो है किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाता है तो किस तरह से प्रेशर लगाता है, या हम ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर के साथ लिक्विड में क्या चेंजिंग आएगा, ये बात पर चर्चा किए। सवाल ये है कि प्रेशर लगता कितना है। जब ऑब्जेक्ट को हम इसमें डुबाएं तो हमने कह दिया कि इस पर प्रेशर लगेगा, सवाल यह है कि प्रेशर कितना लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रेशर लग रहा होगा तो फोर्स भी लगेगा, फोर्स लगेगा तभी प्रेशर बराबर फोर्स इन फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स लग रहा होगा तभी एरिया लग रहा होगा, है ना। सवाल यह है कि इस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, कितना फोर्स वर्क कर रहा है। आई फोर्स ऑफ प्रेशर को समझने के लिए हम लोगों को बात करना पड़ेगा डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के विषय में। इस फोर्स और प्रेशर के विषय में बात करने के लिए हम लोगों को बात करना होगा डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। और डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के विषय में बात कर जब करेंगे तो वहां एक बड़ा वाटर, जल का एक बड़ा अनोखा प्रॉपर्टी जानने को मिलेगा। क्या है वो अनोखा प्रॉपर्टी, इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।